ये रहा वो हॉल। बहुत खतरनाक है यार ये जगह। यार ये क्या अजीब सी चीज है। ओ भाई साहब, कौन है मेरे सामने अभी? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यार ये क्या अजीब। तो गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं इस वक्त, और मैंने जो चीज अभी देखी ना वो इतनी भयानक थी। यकीनन अगर आप सब में से किसी ने भी देख लिया ना उस चीज को, तो हमको लगता है कि वही का वही धराशायी हो जाएगा, वही गिर पड़ेगा। जो चीज अभी मैंने रिसेंट में देखी है, आप यकीन नहीं मानोगे, वो चीज इतनी खतरनाक है। वो लगेगा तो आपको आम इंसान जैसा, पर वो किसी बूढ़े व्यक्ति की आत्मा है जो इस जगह पे भटकती है। मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो शायद यूट्यूब में पहली बार अपलोड हो रही है। जो एकदम करीब से आप देखोगे उस आत्मा को, मतलब ये जगह तो ऑलरेडी पहली बार अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और यकीन नहीं मानोगे, मैं एक हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आ पाया था, लेकिन जब मैंने उसे देख लिया है ना, तो यहाँ पर मैं भाग के अभी आके इंट्रो ले रहा हूँ और वापस से उस तरफ जाऊँगा, देखूँगा वो चीज़ दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती। कहते हैं ये एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था एक टाइम पे, जब एक शख्स इस जगह पर राजस्थान से यहाँ तक चल के आया था नौकरी के लिए, और यहीं पर उसे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद से कहते हैं कि उस शख्स की आत्मा आज भी भटकती है। रात के 12:30 बजे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, भयानक ठंड है, कोहरा है चारों तरफ, उसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी अकेले, हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी वीरान जगहों में ना सिर्फ स्प्रिट मैन ही जा सकता है और कोई नहीं। तो सीधा मैं चलता हूँ उस तरफ जहाँ से अभी मैं भाग के आया हूँ, और उस जगह पर आपको ले जाना लाजमी, क्योंकि मैं इस जगह के लिए इस जगह तक आ पाया हूँ। देख रहे हैं मेरे मुंह से कितनी भाप निकल रही, आप सब इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है। अभी -5 या -4 पे होगा टम्परेचर जो इस वक्त है रात के 12:30 बजे, और आपके लिए सिर्फ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जिसने भी ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया, तो कर लेना, क्योंकि आप सबके पास नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही, इसलिए ही आपको वीडियो देखने को नहीं मिल पा रही। मैं चाहता हूँ फिलहाल इस हॉल के अंदर देखता हूँ। ये रहा वो हॉल, बहुत खतरनाक हॉल है, और मैं लाइट को थोड़ा सा पहले तेज करता हूँ। ये देखिए, ये रहा वो हॉल, बहुत खतरनाक है यार ये जगह, आप सोच सकते हो कितनी भयानक, कितनी बड़ी जगह है। और ये रहा इसका अंदर जाने का रास्ता, मुझे देखना पड़ेगा कि किस तरफ से रास्ता है। और मैंने इस जगह से ही अभी उसे झांक के देखा था, मैं आपको भी चाहिए तो एक बार दिखा देता हूँ। नहीं, अगर मैं अभी दिखा दूंगा आपको तो मजा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट अंदर से दिखाता हूँ, क्योंकि ये जगह बहुत वीरान और खतरनाक है। ये है जाने का रास्ता, ये देखिए, यही है वो जाने का रास्ता। अब मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। मैंने जब देखा ना उसे, मैं हक्का बक्का रह गया यार। ये जगह है, ये हॉल है, ये बहुत बड़ा है, मैं अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। ये रास्ता किधर से जाएगा मैं एक बार देखना पड़ेगा कि मैं किधर से जा सकता हूँ अंदर की तरफ। हेलो हेलो,
तो भाग के मैंने इस जगह पे लिया कैमरा। सीरियसली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और इस जगह पे देखिए लाइट भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। ये इतना बड़ा जगह है, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी जगह है ये। सबसे पहले जब मैं उस तरफ से उसे देखा ना, उस खिड़की पर से, तो वो चीज इस जगह पे एग्जैक्ट खड़ी हुई थी। ये जो वॉल आपको दिख रहा है इस जगह पे, जैसे दीवार के अंदर से आर पार निकली हो वो चीज, ऐसा नजर आया मुझे। उसके बाद ही मैं चौंक के वहां से भाग निकला। उसके बाद मैं इधर पे आया हूं अभी आप सबको दिखाने। हेलो 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 हेलो, एक बहुत बड़ा कारखाना था जहां पर मशीनें चलती थी, इनके ऊपर मशीनें हुआ करती थी कभी, और यहां पर शायद चैम्बर थे उनके। कैसी आवाज आई? फिर से आवाज आई। हेलो कौन है? मैं पूछा कौन है? अब मेरी फट रही है यार, आवाज किसकी है? देखिए जो भी है आप, मेरा कोई भी मकसद आपको नुकसान या कोई गलत मकसद नहीं है हमारा। क्या आप मेरे सामने आ सकते? हेलो कौन है? कौन है ये और कौन नहीं इस पर? ये क्या था यार? क्या सच में कोई यहां पर है? क्या सच में कोई मौजूद है यहां पर? मैं पूछ रहा हूं, क्या सच में मौजूद है यहां पर कोई? सीरियसली मेरा बोलना इस वक्त बहुत डर लग रहा है। सही आवाज है ये तो। कौन है भाई? यार कोई दिख भी नहीं रहा है तो। इस तरफ भी है शायद एक हॉल, मतलब ये दो हॉल है, एक ये है एक ये है। क्या कोई है यहां पर? क्या मैं इस बार आवाज ही सॉल्व से आई है? मैं पूछ रहा हूं क्या कोई है यहां पर? देखिए मुझे पता है आप आसपास में हो, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकता हूं? वो रहा, वो कोई चीज तो मुझे दिखाई दे रही है। वो रहा गाइस, ये देखिए यार, ये क्या अजीब सी चीज है। ओ भाई साहब,
कौन है मेरे सामने अभी? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। यार ये क्या अजीब, ओ शिट, एक सेकंड में गायब हो गई। यार ये जो भी हुआ मेरे कैमरे के सामने हुआ है, शायद बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। मेरी कैमरे की लाइट की बैटरी भी चली गई, तो चेंज करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, अगर बैटरी की तरफ से लगेगी। आवाज लगातार आ रही है और वो आवाज उसी तरह से आ रही है। लाइट को क्या हो गया? हाँ लाइट जल गई। नहीं, उस दरवाजे से कोई बहुत तेजी से, उस हॉल में बहुत ही स्पीड से कोई चीज गायब हुई है। उतने में ही मेरी लाइट जो बैटरी है डिस्चार्ज हो गई, ये रही वो बैटरी, और मैंने बैटरी चेंज कर दी है। मुझे शायद यहां से जल्द निकलना होगा। मैं पूछ रहा हूं कौन था अभी वहां पर? इस करेक्ट इस जगह पे वो चीज दिखाई दी है और गायब हो गई। ओह माय गॉड, ये क्या बला है? कोई तो झांक रहा था वहां से। वो देखिए, कोई तो झांक रहा है। ये देखिए, ये क्या बला है यार? ये देखिए, ये आया, ये क्लियरली कोई पूरा का पूरा, ये देखिए कोई झांक रहा है। ये क्या बला है? नहीं, ऐसा लग रहा है इस जगह पे बहुत अजीब एक्टिविटी है। इस जगह पे कोई झांक रहा था, पता नहीं कौन था। बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे। जबकि भी कोई भी नहीं यहाँ पे। क्या कोई है यहाँ पे? मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ यार इस जगह के बारे में, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअली में जगह है क्या। गाइस, मैं आप सबको ये जगह के बारे में एक बार बता देना चाहता हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। ये एक फैक्ट्री है और इस जगह पर एक बूढ़े शख्स की आत्मा भटकती है इस जगह पे, और आज आप सब ने देखा एकदम क्लियरली, मैंने आप सबको दिखाया कि इस जगह पे वो मौजूद था और वो अचानक से लुप्त से गायब हो गया। तो मैं हो सकेगा जितनी देर तक इस जगह पॉसिबल उतनी देर तक रुकूंगा, और आज ये प्रूफ करके जाऊंगा कि वाकई में
ये देखिए आवाजें, मैं नहीं आवाजें, तो फिलहाल मैं आवाज आई है, कोई तो आवाज आई है, कोई आवाज आई है कंफर्म। मैं आप सबको दिखाता हूँ, अगर जूम करूँ उस जगह तो कोई दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, जूम करता हूँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो मैं जूम और कर देता हूँ इसको। आवाज लेकिन वहीं से आ रही है, चल के देखता हूँ मैं क्या है। कोई चीज है, कोई चीज है, कोई चीज है, ये देखिए। मैंने कहा ना कोई इंसान तो नहीं हो सकता ऐसे के इस तरह की हरकत करेगा, वो भी इतने वीराने में आके। ये पक्का कोई गोस्ट है जो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा होगा कैमरे में। ये देखिए पूरी शैडो नजर आ रही है उसकी, ये देखिए जा रहा है, क्लियरली देखा ना आप सबने, ये देखिए जा रहा है। अभी भी मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ, वो देखिए और अभी गायब हो गया, गायब हो गया, वो गायब हो गया ना। मैंने कहा ना इस जगह पे कोई भयानक एक्टिविटी है, क्या आप हो यहाँ पे? देखिए गाइस मैं इसका सामना तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे अजीब सा हो रहा है, मैं बहुत धीरे बात कर रहा हूँ। वो देखिए अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है, वो देखिए आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है, वो सामने नजर आ रहा है ना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मुझे निकलना चाहिए यहां से धीरे धीरे करके, क्योंकि जो भी चीज है ना बहुत खतरनाक है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो मुझ पे अटैक करे या कुछ भी हो, इसलिए मुझे शायद धीरे धीरे करके यहां से निकलना चाहिए। ये रास्ता है निकलने का, मैं यहां से निकलता हूं। तो ओह शिट यार, वो क्या है? वो देखिए वो चढ़ रहा है, वो देखिए कितनी हाइट पे चढ़ गया, ओह माय गॉड, कौन है वहां? ओह माय गॉड, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए एकदम क्लियरली दिख रहा है। ये क्या अजीब चीज है यार, घर में जो यहां निकलना चाहिए। ओह माय गॉड, कैसे मैं निकल रहा यार यहां से, अब मैं यहां टिक नहीं पाऊंगा, मैं तो निकल रहा। ओह शिट यार, कैसे मैं यहां से निकलता हूं, मुझे
इतना हो सकता था। मैंने अब सबको जगह दिखाया, इस जगह के बारे में बताया। ये जगह थी, कितनी खतरनाक थी, आप सबने देखा। मैं डरा बिल्कुल भी नहीं, और उस चीज का सामना करके आप सबके सामने लेके आया उस चीज को। बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ, कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से निकलता हूँ यार गाइस।